नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक अस्तर वाली सिंपल ब्लाउज काटने का आसान तरीका। तो जैसा कि हमारे पास एक ब्लाउज का पीस है, आप देख सकते हैं कि इसमें अस्तर में जो है बॉर्डर एक इसमें लेस लगा हुआ है, पट्टी है, तो ये अस्तर साइड में आएगा। तो कभी भी आपको कटिंग करना है तो इसको ब्लाउज को पहले सबसे पहले उल्टा कर लीजिए। अगर आप पुराने नाप से कटिंग कर रहे हैं तो जितना बैक है आपका, बैक जैसे आपने बैक का इसका लेंथ नाप लिए होंगे तो उसका जितना बैक है, जैसा कि इसका 18 है तो इसका 9 इंची आएगा हाफ, और इसको 2 इंची हमको इसमें लूजिंग देना है, तो आपको 2 इंची लूजिंग इसमें दे लेना है इस तरह से। तो इस तरह से घड़ी कर लेना है आपको। और अब इसमें क्या करना है, आपको अस्तर इसको अस्तर रख लेना है। अस्तर और ब्लाउज आप दोनों साथ में कटिंग करें तो बेहतर रहता है। तो इस तरह से हमने इसको घड़ी कर लिया। जितना हमने ब्लाउज का पीस घड़ी किया हुआ उतना हमने अस्तर कटिंग घड़ी करना है इस तरह से। और बाकी जो इधर कपड़ा अस्तर वाला बचता है वो अस्तिन के काम में आ जाएगा, उसमें अस्तिन हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप घड़ी कर लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसकी लेंथ की ब्लाउज की लंबाई जो है 13 इंच है, तो लंबाई इसमें बैठ जाएगा आराम से इसका लेंथ जो है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरह से घड़ी करेंगे। हमने इस तरह से घड़ी कर लिया है, आप देख सकते हैं। कभी भी जो अस्तर होता है उसको ऊपर रखें ताकि आप जो मार्जिन करेंगे तो वो मार्जिन अस्तर पर आए, ताकि सिलाई भी अस्तर के ऊपर से ही होगा, इसलिए आपको अस्तर का ऊपर रखना है। तो हमने इस तरह से घड़ी कर लिया, हमने घड़ी किया हो बराबर। हमने क्या करना है, जो थोड़ा सा फ्रंट है इसको थोड़ा सा बैक से बड़ा रखना है। 1 इंच हमने बड़ा रख लिया है, क्योंकि फ्रंट थोड़ा बैक से बड़ा होता है। तो इसको अच्छे से आप इसको घड़ी करके बैठा लीजिए, इसके बाद आप इस पर मार्जिन कर सकते हैं। तो जैसा कि ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो इसको हम देख लेते हैं। 13 इंच हमने 1 इंच ज़्यादा लिया हुआ है, हमने 14 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ से अब हम देखेंगे शोल्डर, जैसा कि आप डीप गला बना रहे हैं तो शोल्डर को थोड़ा कम करना होगा, तो हम इसको रखेंगे 4.5 इंच। और इसका आर्म होल जो है वो 8 इंच है, तो इसको हम 5 इंच रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसको निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो अब फ्रेंड का गला जो है जितना आपको रखना है, 6 इंच 7 इंच जो भी रखना है, तो हम रखना है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं, और यहाँ हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो हमने इसको गोल गला कर लेना है इस तरह से। हमने गोल गला इसको निशान लगा लिया है। अब हमको इसमें बेल्ट निकाल लेना है। बेल्ट हम रखेंगे 11.5 इंच पर। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेव करेंगे इस तरह से, और यहाँ से 3.5 इंच पर एक हम डॉट का निशान लगाएंगे, और इसमें 1.5 इंच का गैप रखेंगे हम। और यहाँ से जो फ्रेंड है उसको हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। मार्जिन के लिए हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको आर्म होल का निशान कर देते हैं। अब आप जो यहाँ से लाइन है इसको हम लाइन से यहाँ से इसको निशान लगा देते हैं, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी। तो इस तरह से आप डॉट का निशान लगा लीजिए। तो अब इसको क्या करना है, इसको आप कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से, तो बैक का गला जो हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम फ्रंट का गला कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। Thank you.
अब यहाँ से हम इसको पूरा कटिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं आप, हमने फ्रंट को अलग कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हमको फ्रंट का जो आर्म होल है, थोड़ा सा इसको हमको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा निशान यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ यहाँ आप निशान लगा लीजिए। अब इसमें आप आर्म होल का निशान जो हमने बेल्ट लगाया है इसको आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेल्ट निकाल लीजिए। हमने इस फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि हमने बैक का कटिंग कर लेना है। तो बैक के लिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 4.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। अब इसको गला हम जो है इसको हम रखेंगे 10 इंच। तो यहाँ से हम इसको 2.5 रखेंगे। चाहे तो आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। सकते हैं कि इस तरह से हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब यहां से आपको क्या करना है कि यहां निशान लगा लेना है आपको डोर के लिए। यहाँ से 5 इंच हम रखेंगे, 6 इंच। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं इसको डोर के लिए। तो ये फ्रंट बैक हो गए। अब इसको हम अस्तिन की तरह से कटिंग करेंगे। अब इस पर हम अस्तर को रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको अस्तर किस तरह से रखना है आपको। तो आपको गला जितना रखना है, सॉरी अस्तर जितना अस्तर की लंबाई रखना है उतना आप अस्तर की लंबाई रख सकते हैं। तो फिलहाल हमको इसकी अस्तर की लंबाई 4 इंच रखना है। तो हम यहाँ से इसको 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आप इसको निशान लगा सकते हैं। और इसको यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको आप यहाँ से बराबर रख सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा हम इसको डाउन करेंगे घर का सा। आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से इसको घड़ी कर लीजिए आप, और हल्का सा इसको और थोड़ा सा सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक सादा सिंपल ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं अस्तर वाली। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कमेंट है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं हमें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।